अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शाम चे चोर बजे तो कशर खबर नामा हेत चुस साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक चा आज मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगरस मंज नमाज जुमा अदा कर ब्रो लुक इजतमा खुताब करान वोनम कश्तवाड़स मंज पेश आमुत वाक सठ अफसूसनाक तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया पजे अम हवाल संजीद कदम तुलन यन तमो वक् बिल जिक्र करान वोन मरकजी सरकार विज विज मुसलमानन हिंद जज्बात मजरू कर कोशिश करान तो मुल्कस मंज रोजन वालन मुसलमानन चिन यथ कदम कुन त सूरतस पेट तस्लीम। मुख्तसर कर सह गो गुक कि शायद मीडिया मे आमुत बूजमुत कि कश्तवारस अंदर पत्मे हफ्त इम पांच नौजवान गिरफ्तार कर आम आर्मी जरिए फोर्सों जरिए तिमन सठा तशद्दुद आमुत कर तिमन आमु जदकोब कर लाइन अम तिम तस्वीर आज मीडिया पे आम बंडेज कर प्लास्टर कर अफसोस मकाम कि जम्मू कश्मीर मं पत्मो त्रहो पांच त्रहो वो पे इंसानी हकूकन हिंद खिलाफ वर्जी हूं सिलसिल सह बदस्तूर जारी तो इसलिए काले कवानीन आफ्सपा पी एस ए तहत तुशान तु कि कचन गिरफ्तार करा कतिया जेलन अंदर कतिया मुसीबत अंदर तो वन तवक़ा थवान कि वन यमो वोनमुत कि करो तफ्तीश अस इंक्वायरी थो तवक़ा कि इंक्वायरी सपद पे जन सजावार आसन तिमन ये करार वाकई सजा दिन ताकि रोज नहेब कि इत सिविलियन तुलन तम पिम जदकोब कर यह बड़ो अफसोसना दुम कथ मे वन जन सारे मुसलमान खातर वनक सठा तशवीशुक मामल हंद मुसलमान समेत पूर हिंदुस्तान कि मुसलमान खातर सह गो वक्फुक मामल तिकाज मीडिया मे खबर आम कि शायद हसा इन वाले अयामन मं पार्लियामेंट कि सेशनस मं हसा यी वक्फ अमेंडमेंट बिल तुलन बे तो शो पता कि बीजेपी हुकूमत अकिस रियासत मं तस कमो फैसल ऐलान कोरु कि मुतवल यानि इमाम खतीब वाज पढ़न वोल बयान करन वोल हि तोत ताम कलाम कर योत ताम गड़ सु वक्फस इजाजत है तो वक्फ कमन अच्छु वक्फ हुकूमत चूंकि कथ वाजे यसान कर मे वो पत्म लट त कथ आज दोहरा बहु ये अमल मुसलमान जम्मू कश्मीर खातर तो मुसलमान हिंद खातर बुस उलमान हिंदुस्तान कि मुसलमान बराबर इन टच तम तारी तशवीशुक इजहार करा बल्कि तुह तो पता कि मुतहदा मजलिस उलमा के अमीर की हैसियत ये तमाम उलमाओ तमाम मसलको तमाम जन फिरक मुतफिका चिट लिख जे पी सी एस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कि अस दी सा वक्त जम्मू कश्मीर किस नुमाइंद वफ्त दी वक्त ताकि करो पन तहफात पेश बिल तु अनान पार्लियामेंट अंदर तरमीमी बिल यह सा नाकबिल कबूल तिक्ष पता इन मकसद यह क्या कि मस्जिद महराब दरसगा दरगाह इन पे तम मुसलत कर जन इन पॉलिसी पकनावन कब्ज कर मुसलमान हिंद वक्फुक मामल दीन मामल शरीयत मामल अत पे हकिन कह अमल इख्तियार कर कि मुसलमान क्या इन यमो हकूको नश दस्तबरदार कर यह गहर सजिश इस तवक़ा थवा कि जल्दबाजी मं कर हिंदुस्तान पार्लियामेंट अत पे कह फैसल कम सोचन अमिक मोहरिका क्या कसान वाजे कर कि जम्मू कश्मीर के मुसलमान अमेंडमेंट खिलाफ रोजो तस रोजो बराबर पुन एहतजाज अत पे करान इंशाल्लाह तिका यह वजीर अला उमर अब्दुल्ला सिंदिस सदारत में आज जमिस मं काबीना मीटिंग सांस कर आमुत यथ मज नायब वजीर अला तो चीफ सेक्रेटरी अलाव दोमो काबीना वजीरों शिरकत कर अत मौक पे सरकार किस काम कार हवाल
कथन दल दिन तूकन सुड़ित कैन मामलन हवाल तबोदल ख्याल सपदमुत मीटिंग दौरान रिजर्वेशन पॉलिसी हवाल काबीना सब कमेटी तश्कील दिन आम जन सरकार अमे हवाल हतमी फैसल निय जन काबीना वजीर जावेद अहमद रानान मीटिंग पत कत करान वो मीटिंग दौरान तम सारी मामल वतलावन आमित जन सठाई हल तलब तो उम्मीद जिन वलिस वक्त मन मरल वार तरीकस मे मसल अंजरा आज जो कैबिनेट मीटिंग थी अमरुद्दौला साहब आज चेयर कर रहे थे ऑनरेबल सीएम साहब रूटीन मैटर्स में कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं सर्दियों को लेके क्योंकि आगे बर्फबारी का इम्कान है अल्लाह करे बर्फबारी हो जाए तो एक तो ये इश्यूज रहे हैं और बाकी असम्बली ये कम्प्लेक्स यहाँ हमारा बन रहा है ये 2013-14 में जिसका काम शुरू हुआ था काफ़ी डिले है और उस पर चर्चा रही है और प्रिंसिपली कैबिनेट ने ये उसका अप्रूवल दे दिया है गो अहेड कर दिया है। बाकी रूटीन मैटर्स में कुछ चीज़ें जो हैं डिस्कस हुई हैं आपके सामने सब चीज़ें आ जाएंगी। ऑनर एड्रेस ऑनरेबल एल जी साहब ने जो सेशन में दिया था कश्मीर में उस पर भी चर्चा हुई है और उसको कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दिया है तो ये सब चीज़ें हैं मेरे ख्याल में अभी आपके सामने आ जाएंगी। देखिए जो एल जी साहब ने जो गवर्नमेंट उसमें असम्बली सेशन में गवर्नर साहब ने जो एड्रेस किया था उस पर उसका अप्रूवल दे दिया गया है और जो भी चीज़ें उसमें ऑनरेबल एल जी साहब ने वहाँ अपनी स्पीच में रखी थी सब शामिल हैं उसमें। हाँ एक इशू है बेरोज़गारी का बड़ा इशू है और इसमें तो हमारे इलेक्शन मंशूर में भी हमने कुछ चीज़ें रखी थी और वो भी ऑनरेबल सी एम साहब ने तमाम ऑनरेबल मिनिस्टर्स को डायरेक्शन दे रही हैं कि अपने अपने विभाग में अपने अपने डिपार्टमेंट्स में उन सब चीज़ों पे एक्सरसाइज शुरू करें और क्योंकि 100 डेज टारगेट में ये सब चीज़ें शामिल रहेंगी। हमारे एक महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं तो आने वाले 2 महीने में इंशाल्लाह ताला हम उस पर कुछ चीज़ें जो हमारे इलेक्शन मंशूर में था उसको सामने लाएंगे। पे सब्जेक्ट वाइज तो बात नहीं हुई है लेकिन जो जो पोस्टें रेफर करनी है पीएससी को रेफर करनी है या एसएसबी को रेफर करनी है उस पर डिस्कशन हुई है और उस पर हम कोशिश करेंगे कि वो टाइम फ्रेम में वो पोस्ट जो है एडवर्टीजमेंट हो जाए और क्योंकि हम बहुत से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बहुत सी पोस्टें जो है वैकेंट पड़ी हैं तो इन सब उस चीज़ों पे चर्चा होगा। इन लेटर इन रिप्रिंट वो चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी और उन पे ऑनरेबल सीएम साहब ने डायरेक्शन दे दी हैं कि जिस जिस डिपार्टमेंट में जो जो चीज़ें वो आती हैं जो इलेक्शन मंशूर के मुताबिक था अब तो वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बन गया सर कश्मीरी विस्थापित अब तो इलेक्शन मंशूर जो हमारा था वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। सीएम साहब की डायरेक्शन के मुताबिक उस पर एक कैबिनेट सब कमेटी बनेगी और कैबिनेट सब कमेटी विद ऑल स्टेक होल्डर्स बातचीत भी करेगी और जो भी पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा आवाम के इंटरेस्ट में होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो तो रेगुलेशन पास है हमारा उस पर चर्चा होने का मकसद ही नहीं है क्योंकि असेंबली एक बार जो पास कर देती है उस पर चर्चा होना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेरा हमेशा ये महसूस किया है कि कश्मीरियत जो है वो कश्मीरी पंडित महाना होने से अधूरी है तो इस कश्मीरियत को प्रवान चढ़ाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बात की है हम वादाबंद हैं और हमारी फर्स्ट यपर जम्मू कश्मीर हिंद वजीर अला उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में एक तकरीब दौरान कैन तमीरती प्रोजेक्टन इफ्तिताह कोरमुत यम पो जरा इबलाग सत कान वो जजचे काबीना मीटिंग मं तमाम मामल जहर बस अन्न आमुत जन इन मामलन हवाल सरकार तरफ क
कल झाने तमो कश्तवाड़ मामल हवाल तथ कर वो तो असम्बली मज पेश कर आम रेजोल्यूशन हवाल तराय इबलागस तफसीलत फराहम कर हमारे मतलब जो रूटीन गवर्नमेंट के काम होते हैं उस हवाले से बात हुई, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे मेन जो आज हमारा फैसला कैबिनेट में था वो एक सब कमेटी को कायम करने का जो फैसला था रिजर्वेशन के मामले को देखने के लिए। रिजर्वेशन को लेके बहुत सी बातें की जा रही हैं, परेशानियों का और शिकायतों का भी इजहार हो रहा है। हमारे नौजवान खासकर ओपन कैटेगरी के उनको लगता है कि उनको अपना हक नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जिनको रिजर्वेशन के दायरे में लाया गया है वो नहीं चाहते हैं कि उनके हक में कोई कमी हो। तो इसलिए आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि एक सब कमेटी कायम की जाएगी। उस कैबिनेट सब कमेटी में 3 ऑनरेबल मिनिस्टर होंगे और उन्हें कैबिनेट ने ये कहा है कि वो एक होलिस्टिक व्यू इस रिजर्वेशन के मामले का लें, वो ये देखें कि अभी तक क्या हुआ है, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के इसमें आदेश हैं उनको लेके हम क्या हमने उनको जो है उससे आगे गए हैं या हम वहीं तक हैं, और आगे क्या फैसले लिए जाने चाहिए ताकि किसी को किसी का हक जो है वो छीना ना जाए लेकिन इंसाफ सबसे हो। तो इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी अब बनाई गई है, उन्हें वक्त दिया गया है, वो अपना रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने पेश करेंगे और उसके बाद हम कोई फैसला इसमें कर पाएंगे। उमर साहब, क्योंकि माशाल्लाह 5 साल की गवर्नमेंट है लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, अभी से कहेंगे कि 1 महीना हो गया क्या किया सरकार ने, ये मौजू नहीं होगा, लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहेंगे क्योंकि जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर में था इसी पर बुनियाद है, उसका किस तरह का रेस्पॉन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? दूसरा, जो हमारे प्रिजनर्स हैं उन पर छोड़ने की कोई बात, उनसे प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए तो हमें रियासत चाहिए, क्योंकि फिलहाल सिक्योरिटी, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर ये मरकजी हुकूमत के दायरे इख्तियार में है, ये LG साहब संभालते हैं। लेकिन उसके बावजूद जहां कहीं हमने पुलिस की इंतज़ामिया से बात की है उनसे हमने कहा हुआ है कि इसको दोबारा से देखना होगा, खासकर जो क्या कहते हैं इन चीज़ों को वेरिफिकेशन के मामले में जिस तरह लोगों को तंग किया गया था, जैसे मैंने असेंबली की तकरीर में कहा था जिस तरह वेरिफिकेशंस को एक तरफ से वेपनाइज किया गया था उस पर काफ़ी हद तक एक रोक लगाई गई है, आगे भी इसमें थोड़ी और नरमी होगी। लेकिन जहां तक लोगों को जेल से छोड़ने की बात है उसके लिए पहले दिन से हम जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिलवाने में हम लगे हुए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग चाहते हैं उसमें कुछ प्रोग्रेस हो वो हम UT के ज़रिए नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपने पहले रेजोल्यूशन ना, सबसे बड़ी बात यह है कि रेजोल्यूशन कहीं रिजेक्ट नहीं हुआ ना, रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, यही बड़ी बात है, एक दरवाज़ा खुला है, आगे जाके देख लेंगे उसका क्या करना है। कांग्रेस हमारी हुकूमत में शामिल नहीं है, कांग्रेस ने बाहर से हमारी मदद की है लेकिन वो हुकूमत में शामिल नहीं है। अब ये हुकूमत ने ये रेजोल्यूशन लाया है, इस रेजोल्यूशन को मां सिवाय BJP के तमाम मेंबरों ने उस वक्त पास किया, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। अब जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह BJP ने कांग्रेस को निशाना बनाया, ये पहले तो उन लोगों को जवाब है जिन्होंने ये कहा कि इस रेजोल्यूशन में कुछ है नहीं। अगर इस रेजोल्यूशन में कुछ नहीं होता तो वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब इस रेजोल्यूशन का बार बार जिक्र क्यों करते? जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ है। अब कांग्रेस की मजबूरी बनी कि वो थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें, लेकिन उनके कहने से कुछ डाइल्यूट नहीं होता। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इसको पास किया है और वो है। उमर साहब क्या कैबिनेट में बिजली के हवाले से कुछ बात भी, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं और लोगों को काफी दिक्कत होगी? ना, दिखते हैं, कैबिनेट ने तो पहले ही विंटर प्रिपरेशन का काम किया है, बिजली की कटौती कम हो उसके लिए मैं खुद दिल्ली में पावर मिनिस्टर से मिला, उन्होंने कुछ एडिशनल कोटा जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किया है,
लेकिन हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि सर्दियों में कटौती होगी, सर्दियों में कट्स होंगे। लेकिन मैंने डिपार्टमेंट से ये कहा हुआ है कि जहाँ जहाँ बिजली की चोरी कम हो, जहाँ जहाँ बिजली की फीस जो है उम्मीद के मुताबिक हमें मिले, वहाँ कटौती कम होनी चाहिए, वहाँ लोड शेडिंग कम होना चाहिए। और उम्मीद की जाती है कि इस साल सर्दियों में लोगों को थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है और अफसोस की बात यह है कि हमारे लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा। ये पहला हादसा नहीं है ऐसा जबकि लोकल्स को किसी पुलिस कैंप में बुला के उनके साथ मारपीट नहीं हुई। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सारे जो हैं ये मतलब अपनी कीमती जानें नहीं गंवाई। नहीं तो इससे पहले हमने वो हादसे भी देखे जहां लोगों को पुलिस के कैंप में बुला के टॉर्चर करके वो अपनी कीमती जानें गंवाई। मैं उम्मीद करूंगा आर्मी के तरफ से कि इसमें कोई नरमी ना दिखाई जाए, इसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं अगर उनके खिलाफ सबूत उनको मिला तो उनको फौरी तौर कोर्ट मार्शल करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ज़राई इबलाग सत बात तो ज़राई इबलाग कन सवाल हिंद जवाब दिवान चु उमर अब्दुल्ला वोनमुत ये रिजर्वेशन पॉलिसी हवाल मुख्तलिफ तबको तरफ तशवीश इजहार कर आज काबीना तरफ अख सब कमेटी तश्कील दिन आम युद्ध तमाम लूकन हिंद खदशात दूर कर प्रेत अकिस पन हक मिले ये जन तमो वोन सब कमेटी हूँ रिपोर्ट पेश सपदन पत अमे हवाल कह हतमी फैसल नि ज़राई इबलाग कन सवाल जवाब दिवान चु वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कदन हवाल कत कान वोनमुत कदन हज रिहाई तेल मुमकिन ये जम्मू कशीर रियासती दर्ज बहाल सपद तिकाज वन डायरेक्टली मरकज युक ला एंड आर्डर पुलिस तो दोम मामल वुचान तो वन हेकन जम्मू कश्मीर सरकार कदन हज रिहाई हवाल कह कर ताहम चुस पुलसक यहां जिम्मेदार सी मामल तुलमुत तिमन वोनमुत कि इन मामलन हवाल ग दुबार गौर खोज कर रिजोल्यूशन सतो कत कर कांग्रेस तो तमो वोनमुत कांग्रेस जम्मू कशीर हुकूमत में शामिल बल्कि कांग्रेस नबरकिन अत सरकार हिमायत करान तो रिजोल्यूशन असम्बली तरफ पास करना आव तथ मज बड़ कत यह सुन कई रिजेक्ट या रद्द करना आमुत बल्कि ब्रो पकान तो ब्रो कुन वो अमु क्या नतीज आ बिजली कटवती हवाले उमर अब्दुल्ला कत कर वोनमुत यदवे वादी में सर्दी इन सती बिजली कटवती में इजाफो सपदान ताहम चु उमीद जम वर् हे वंद कालस दौरान लूकन कुन हदस तम राहत वातित तो मुतलिक महकम कन जिम्मेदार हिदायत दिन आम तम कोशिश करें बिजली कटवती कम खोत कम करें। वर्ल्ड हेरिटेज वीकस हवाले ये वादी में तकरीबन हूं सज कर एस के आई सी सी श्रीनगर में प्रोग्राम सज कर आमुत यथ सूबई कमिश्नर कश्मीर अलव इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों शिरकत कर अत मौक पे ये वादी हंद सकाफत हवाले कथन दल दिन आव तूबई कमिश्नर कश्मीर वोनमुत हेरिटेजस हवाले जानकारी प्रोग्राम सज कर सठा जरूरी युद्ध जन नौजवान पुई तम अमे हवाले मुकम्मल जान वातन मज आसानी सपद। हेरिटेज वीक आपको पता है जब आपने शुरू में उसको कवर किया था 19 तारीख को, उसके बाद ये चल रहा है। आज हमने एक्चुअली में डीपीआर किस तरह से फ्रेम होनी चाहिए और जो इस चीज़ें पूरी चीज़ों से जो इन्वॉल्व रहते हैं इंजीनियर्स, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सीनियर जेकेएस ऑफिसर्स जो है, एडीसी लेवल के ऑफिसर्स जो है, ताकि कब आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे लिए जैसा हम कहते हैं विकास भी विरासत भी बहुत जरूरी है, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज एक बहुत अच्छा जो सेशन है, किस तरह से कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक चीज़ को कंजर्व करना है तो आपको बोल्डर पड़ा है, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई आप जैसी दिलाओगे उठा लोगे, ऐसा नहीं है। तो उसकी एक सेंटिटी है हर चीज़ की, उसको उस हिसाब से देख के करें। तो उसी चीज़ को लेकर आज ये वर्कशॉप की गई है, सेंसिटाइज की गई है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव। अनंत नागस में आज महकमे सोशल वेलफेयर तरफ तकरीब हूं सज कर आमुत यथ मेंबर असम्बली अब्दुल मजीद लारमी तो महकमे जिम्मेदारों महकमे वर्करों तो हेल्परों शिरकत कर अत मौक पे
یت ممبر موصوفن کہان ورکرن تو ہیلپرن من آڈر بگر تمو وونمت زوشل ویلفیئر محکم سہ محکم اس زن انتظامیہ کم کار تو ات ست ست متعارف کر آم سکیم زمینی سترس پہ عملانس من اہم رول ادا کران تو ورکرن تو ہیلپرن ہند معاملہ ازرانس حوالہ تہ سنجیدہ قدم تلنے ویسے میں آپ کو یہ بات ذہن نشین کراؤں کہ اس سے پہلے بھی 2018 میں ہماری لیجسلیٹرز کانفرنس تھی دہلی میں تو وہاں پہ بھی میں نے ان کا مسئلہ اٹھایا یہ صحیح بات ہے ان بیچاری کے پاس 5000 میں کیا نکلتا ہے 5000 سے کیا کریں گے تو ان کا روزگار جو ہے روزگار بالکل اسی پر ہے گھر کے بچے ہیں باقی اخراجات ہیں وہ تبھی ہوگا جب ان کو تھوڑا سا ہم لفٹ کریں گے ان کو ہر سہولت دیں گے کیونکہ یہی مطلب وہ مطلب آنگن واڑی ورکرس ہے یا جو بھی سنگنی ہے یا جتنے بھی اب نام رکھے ہیں اچھا ان کا ایک ہی ہے کہ یہ ہر گاؤں میں ہر جب مطلب یہاں پہ سی ڈی پی او میڈم ہے ہر گاؤں میں جب بھی کووڈ تھا یا کوئی بھی یہاں پہ مطلب الیکشن کے مسئلے میں یا کہیں کوئی اور ہوتا تھا تو یہی لوگ ہوتے تھے باقی گھر میں بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے کام کیا گراؤنڈ میں کام کیا اور آج بھی کرتے ہیں ہیلتھ کے سیکٹر میں کام کیا ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا تو ان کا ضروری بنتا ہے کہ ان کو ہم انشاء اللہ رحمان ان کی بات اوپر پہنچائیں گے اسمبلی میں بھی کریں گے اور انشاء اللہ رحمان کل ایک دو دن میں یہ پارلیمنٹ لگنے والا ہے تو وہاں پہ بھی بات کریں گے یوتھ کانگریس طرف آج جمس مز احجاجی مظاہرے کرنا آمت یت دوران احجاج میں شامل پارٹی لیڈر تو ورکر اڈانی تو مرکزی سرکار خلاف نعرہ بازی کران احجاج میں شامل لیڈر طرف منگ کرنا آمت اڈانی گھس گرفتار کرنے یون یت زن تمس متعلق اصل حقائق برہ کن یون دیکھیے آج آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ این ایس یو آئی اور یوتھ کانگریس کے کاریکرتاؤں نے یہاں پہ مل کے پردرشن کیا ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اڈانی جی کے اوپر جو کل کے آروپ لگے ہوئے ہیں اور یو ایس کی ایک ایجنسی نے ان کے لیے ایک اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیا ہے یہاں پہ پہلے آپ کو پتا ہنڈن برگ کی رپورٹ آئی ہمارے دیش میں کوئی اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا پھر سپریم کورٹ میں انہوں نے جا کے وہاں سے چیزوں کو الجھانے کا کام کیا مودی جی تو ہم سیدھا کہیں گے ان کو سنرکشت کر رہے ہیں آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس پرکار سے ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے آروپ لگ رہے ہیں یہ ایک ایسی جھونک ہے اڈانی جو ہمارے دیش کے ٹیکس پیئرز کے پیسے کو چوسنے کا کام کر رہا ہے یہ کرونی کیپٹلزم کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں یہ بالکل ناقابل برداشت ہے اس کی ایک بہت ہی ہم مانگ کرتے ہیں ایک کمیٹی جانچ ہو اور جب ہمارے دیش میں چنے ہوئے مکھیہ منتریوں کو 16 مہینے آپ جیل میں رکھ سکتے ہو کیوں کہ یہ جانچ میں وعدہ پیدا کریں گے تو آپ اڈانی کو کیا روک رہے ہیں آپ اس کو اریسٹ کریے ای ڈی سی بی آئی کے شکنجے میں لیجئے اور جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس کو کریے دیش کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے بہت بہت دھنیہ واد دیکھیے یہ تو آپ کو پرتیکش کو پرمان کی آوشکتا نہیں ہوتی ایک 1992 میں اسکیم ہوا تھا ایک 2024 میں ابھی چل رہا ہے بہت بڑا اسکیم ہے دھنیہ واد جو آج کا گوری پور رونور سری نگر مز حال اکس نار واردات دوران کیان رہائشی ٹین شیڈ خاکس تر سپد تک آج پارلیمنٹ ممبر سری نگر آگا روحلان علاقوں دور کورمت یت دوران تمن ہمراہ ممبر اسمبلی زڈبل تنویر صادق تو ممبر اسمبلی گلمرگ فاروق احمد شاہ موجود اس دورس دوران یہ تمو صورت حال سامز تک تمو ووت متاثر عیال نی بھرپور مدد کرنے یت زن تمن وند کالس دوران کن قسم مشکل ویترین پین بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے جتنا بھی یہاں پہ مدد کرنے کی جو بھی کوشش ہو رہی ہے وہ کم ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے جتنی ممکن ہو سکتی ہے حکومت کے ذریعے یا مختلف ذرائع کے ذریعے اتنی مدد کی جائے تاکہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ کم سے کم ان تک پہنچے اور یہ اپنے زندگی کو چلاتے رہے اور پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر سے بنانا شروع کرے تو جو مشکلات یہاں پہ پیش آئی ہے اسی لیے حکومت بھی سنجیدہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا وزیروں کو بھی یہاں پہ بھیجا گیا ہمارے یہاں کے نمائندہ جو ہے ایم ایل اے جو ہے تنویر صاحب یہ بارہا آتے رہے اور بھی آتے رہیں گے میری بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ میں یہاں پہ آؤں
تو ناظرین ات وت خبرنامان دیو اجازت خدا سوال